Hi kids, today's our subject maths part 26 and today's our topic numbers, and today we are going to learn about new topic ascending number. Aaj hum seekhne wale hain. Ab ascending number kya hota hai? What is ascending number? Agar hame kuch number diye gaye hain aur un numbers mein se hame identify karna hai ki sabse छोटा नंबर कौन सा है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, और उस नंबर से लेकर सबसे जो बड़ा नंबर है, लार्ज नंबर. छोटे से बड़े की तरफ जब हम जाते हैं तब उसे असेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है. जैसे लुक एट दिस इमेज, यहाँ पे पहला नंबर है वन, वन के बाद आता है टू, टू के बाद थ्री, थ्री के बाद फोर, फोर के बाद फाइव, सिक्स, सेवन और एट. इन नंबर्स की जो ऑर्डर दी गई है ये है असेंडिंग ऑर्डर, एंड दीज आर द नंबर इन असेंडिंग नंबर्स. नीचे से ऊपर की तरफ जब हम जाते हैं, छोटे से बड़े की तरफ, तब उसे असेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है. हेल्प द बॉय क्लाइंब अप द स्टेयरकेस फ्रॉम डाउन टू अप बाय राइटिंग द नंबर फ्रॉम ज़ीरो टू फाइव. यहाँ पे एक बॉय दिया गया है, उसे स्टेयर से ऊपर जाना है, तो आपको यहाँ पे नीचे ज़ीरो दिया गया है, तो आपको यहाँ पे वन, टू, थ्री, फोर और फाइव ये नंबर लिखने हैं, जिससे कि असेंडिंग ऑर्डर क्रिएट हो जाएगी और ये बॉय नीचे से ऊपर की ओर जाने के लिए उसे हेल्प हो जाएगी. ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वन, टू, थ्री, फोर और फाइव नंबर्स लिखने हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, राइट द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. यहाँ पे हमें नीचे जीरो दिया गया है, यहाँ से ऊपर के नंबर हमें लिखते जाने हैं. जैसे जीरो के पहले, यानी जीरो के बाद कौन सा नंबर आता है, वन, उसके बाद टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन एंड टेन. इसे नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, इसे बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर. तो समझ में आ गया असेंडिंग ऑर्डर क्या होती है. छोटे नंबर से लेकर बड़े नंबर की तरफ हम जाते हैं तब उसे असेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है.